हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमको तो शायद एक नई वीडियो की आज हमारी वीडियो होने वाली है यूपीएस के ऊपर। जो हमारा जो इन्फॉर्मेटिव सेशन चल रहा है उसके ऊपर एक दूसरे आज एक मैं नई नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो एमबीए में एडमिशन लेना पड़ता है आपको। जैसे एमबीए में एडमिशन के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो जो यूपीएस जो कराता है कंडक्ट टेस्ट वो होता है UPSMET, UPESMET, यूपीएस मेट का जो टेस्ट होता है वो कराता है कंडक्ट यूपीएस। तो आज हम उसके बारे में ये बात करेंगे, उसके बारे में आज की हमारी वीडियो तो होने इस वाली वीडियो को है। एंड तक जरूर देखना और वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है? क्योंकि इससे आपकी आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। आप मतलब काफ़ी सारी अपनी जो क्वेरीज होंगी वो सोल्व कर पाओगे। तो अभी हम देखते हैं कि हाँ, तो पहले देखते हैं यूपीएस मेट होता क्या है। UPSMET ये है। तो यूपीएस मेट होता है बेसिकली कि जब एमबीए में एडमिशन लेने के जो यूपीएस एक टेस्ट है वो कंडक्ट कराता है उसका नाम है UPSMET, ठीक है? तो वो टेस्ट होता है एमबीए में एडमिशन लेने के लिए जो यूपीएस कराता है कंडक्ट। बाकी इसके बारे में और जानना हो तो यार इनके एक ऑफिशियल साइट है यूपीएस वालों की, उसको मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं भी वहीं से देख रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ये सारी कि कैसे क्या करना है, मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, अब ये खुद भी जाके देख सकते हैं वैसे। तो बाकी हम इनका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए क्लास 10th में और 12th में और ग्रेजुएशन में। जो ग्रेजुएशन है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए होना चाहिए, तभी आप इसका UPSMET वाला जो टेस्ट है वो टेस्ट दे पाओगे, ठीक है? और इसको हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें कि एमबीए में सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो वो यही है। बाकी जो और टेस्ट होते हैं एमबीए के लिए वो या तो वो होंगे रिकॉग्नाइज्ड, और या फिर ये जो UPSMET है ये वाला टेस्ट माना जाएगा आपका। और बाकी जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं फॉरवर्ड बाय पर्सनल इंटरव्यू, हाँ वो बाकी जो वही बाकी जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं उनके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा इसमें। और अगर आपके प्रोसेस फ्लो के बारे में बात करें तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो होगा ऑनलाइन। जो UPSMET जो टेस्ट है एमबीए के लिए वो ऑनलाइन बेसिस पे होता है, और जो टेस्ट की ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 घंटे की। और इंटरव्यूज़ आर टू बी कंडक्टेड आफ्टर द एग्ज़ाम एंड स्लॉट बुकिंग। जो इंटरव्यूज़ आपको होगा वो आपको एग्ज़ाम के बाद होगा। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो या फिर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए स्टैंड करेंगे, ठीक है? राइट, ठीक है। तो अगर जिनके स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स जिनके MAT या CMAT वाले जो टेस्ट होते हैं उनमें अगर आपके आपने 70% से ज़्यादा स्कोर किया है तो आप सीधा इंटरव्यू के लिए आओगे, आपको UPSMET देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ये बोला गया है। बाकी वैलिड 50 परसेंटाइल एंड एन अबव स्कोर ऑफ कैट 2023, ए स्कोर ऑफ मिनिमम 400 एंड अबव फॉर CMAT, अ स्कोर ऑफ 120 एंड अबव इन NMAT 2024-23, स्कोर्स विल बी एक्सेप्टेड। मतलब जो पुराने स्कोर्स हैं वो भी आपके एक्सेप्टेड माने जाएंगे इसमें। एग्ज़ाम प्रोसेस वही एग्ज़ाम प्रोसेस, इसमें आपका ऑनलाइन मोड पे होगा, ऑनलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होगा, ये लोग आपको एग्ज़ाम प्रोवाइड करा देंगे, आपको जाके एग्ज़ाम करना है वहाँ पे। फिर एक टेस्ट की एग्जामिनेशन टेस्ट विंडो होगी वो 10 AM से 2 PM के बीच में ओपन होती है, उसके बीच में आपको लॉग इन करना है तब जाके आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न तो क्या होता है, जो UPSMET जो एग्ज़ाम है इसके लिए काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे कि यार एमबीए में एडमिशन लेना, तो UPSMET में जो MET जो टेस्ट है इनका एंट्रेंस उसका पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का। तो पहला है इसमें जनरल इंग्लिश, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्बल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 35, ठीक है? फिर दूसरा है क्वान्टिटेटिव, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा सफिशेंसी है, ये भी 35 क्वेश्चन आएंगे। फिर तीसरा आता है जनरल अवेयरनेस, कह लो कि GK जनरल नॉलेज आ गया, करंट अफेयर्स, बिजनेस सिनेरियो आ गया, उसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे। और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आएगी, वो भी 35 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 140। चार टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव के, और जनरल अवेयरनेस मतलब GK वगैरह और रीजनिंग वगैरह। 35 35 क्वेश्चन आएंगे चारों में से, मतलब 140 टोटल क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ पैटर्न रहेगा हमारा ये यूपीएस मेट का। और बाकी आपको अगर और कुछ जॉब की क्वेरीज हैं आपको वो सब को सॉल्व करनी है ना, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है काफ़ी। मैं आपको चार चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक तो है उसमें से एडमिशन का जो गाइडेंस फॉर्म है, एडमिशन गाइडेंस फॉर्म है वो, उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको। और एडमिशन का टोल फ्री नंबर है वो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करवा दिया है, और चैट सपोर्ट फॉर एडमिशन उसका भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और जो एप्लीकेशन है यूपीएस की एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये चार चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन में, इनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो जितनी क्वेरीज होंगी वो कोशिश करें कि वो लोग सॉल्व करें जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि उनसे आप आराम से चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर दे दिया मैंने आपको उनका, चैट सपोर्ट दे दिया है व्हाट्सएप वाला, उन पर जाके आप बात करिए उनसे, अपनी जो क्वेरीज है उनको सॉल्व कीजिए। तो बस यार अभी आपका डिसीजन है कि आप यूपीएस में एमबीए में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको ये सब कर देना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा एक बार। बाकी फिर भी मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखे हैं उनको चेकआउट कीजिए, नंबर पे कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि क्या करना है कैसे करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ऐसी करना, वीडियोस और आती आते रहेंगी रहेंगे आगे, ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, अभी ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं ये भी आती रहेंगी। ठीक है, सो बाय गाइस।